So let us start the lecture. So last lecture में हम कर रहे थे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू मॉडल, ठीक है, जो शेड्यूलिंग का मॉडल है क्यू. तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से करने की कोशिश करेंगे. पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या है. कि आपके पास जैसे नॉर्मल मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती है, इसी तरह मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में भी नंबर ऑफ क्यूज होंगे. हर क्यू के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पॉसिबल है. अब इसमें क्या है कि इसमें और जो पुराना हमारा ये वाला मॉडल था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में आपका जो प्रोसेस था वो एक क्यू में फिक्स रहेगा. तो उसकी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करते थे, राउंड रॉबिन लगा देते थे, जिसमें हायर प्रायोरिटी वाली क्यू को ज्यादा टाइम शेयरिंग मिलती थी और लोअर प्रायोरिटी वाली क्यू को कम शेड्यूल वो प्रायोरिटी मिलती थी या टाइम शेयरिंग मिलती थी. तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या है डिफरेंस के अब यहां पर एक टाइम के बाद आप प्रोसेस को प्रमोट भी कर सकते हो एक अपर क्यू में और डिमोट भी कर सकते हो लोअर क्यू में. तो इसको एक मैकेनिज्म के साथ अभी हम समझेंगे. लेट अस सपोज आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है और इसमें अभी आपके पास लेट अस सपोज ये सिनेरियो है. अराइवल टाइम मान लो तीनों प्रोसेसेस का जीरो है और जो बर्स टाइम है डेट इज तो अब ये जो आपके स्क्रीन के में दिख रहा है ये वाला मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम, आपके हिसाब से P1, P2 और P3 कैसे शेड्यूल होंगे इन क्यूज में, तो वो आप लोग अभी 2 मिनट्स में सॉल्व करके देखो. देखो सारा जो शेड्यूलिंग का मैकेनिज्म है वो लिखा हुआ है स्लाइड में. तो आपके पास है कि P1 बर्स्ट टाइम उसका कितना है 25, P2 बर्स्ट टाइम कितना है 20, P3 बर्स्ट टाइम कितना है 7. तो कौन सी क्यू में कौन सा प्रोसेस कितना टाइम्स स्पेन बिताएगा वो आप लोगों ने बताना है. टू मिनट्स हैं आपके पास, अपना टाइम लो और सोचो इस प्रॉब्लम को. आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसको सॉल्व करूंगा. तो इसको देखते हैं आप, जैसे लेट अस सपोज P1 है, P1 का टाइम देखो बर्स टाइम कितना दिया हुआ है 25. तो जब तक ये फर्स्ट 8 यूनिट्स अपने Q0 क्यू में बिताएगा, नेक्स्ट 16 यूनिट्स Q1 क्यू में बिताएगा और लास्ट वाला जो 1 रह जाएगा वो लास्ट में, मतलब आफ्टर 8 यूनिट्स ये प्रोसेस डिमोट हो जाएगा Q1 में अकॉर्डिंग टू दिस. क्लियर, जॉब इज मूव टू Q1 एंड देन फिर Q1 एंड जो लास्ट वाला होगा फिर वो 1 यूनिट Q2 में. तो यहां पर उस प्रोसेस की बारी जल्दी आएगी क्योंकि ये वाला प्रोसेस क्या है,
हायर प्रायोरिटी क्यू में है, जब यहाँ पर इसका टाइम क्वांटम होगा वो थोड़ा सा लेट आएगा और यहाँ पर सबसे बाद में। ऐसी P2 प्रोसेस की कितनी है 20, तो फर्स्ट 8 यूनिट्स P2 प्रोसेस यहाँ बिताएगा, नेक्स्ट 12 यूनिट्स यहाँ बिताएगा, मिली सेकेंड जो आपके टाइम के यूनिट्स हैं। P3 ने ऊपर वाली क्यू में ही बिताना है क्योंकि 7 ही है इसका बर्स टाइम, तो ये अपना 7 क्वांटम यहीं पर बिताएगा अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो आपकी इस स्लाइड में मेंशन है। हाँ जी, किसी को डाउट है तो चैट में वो कमेंट कर सकता है। एनीबडी हैज एनी डाउट तो वो चैट में बता सकता है, फिर वरना आगे चलेंगे। ओके, इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा एज इट इज, ये समझाने के लिए एग्जांपल दी थी। पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि दोबारा से सुनो इसको, आपके पास यहां पर इस एग्जांपल में 3 क्यूज हैं, Q0, Q1, Q2, हर एक क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है, ठीक है। तो Q0 में क्या है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, RR विद टाइम क्वांटम ऑफ 8 मिलीसेकंड्स, Q1 में क्या है RR टाइम क्वांटम 16 मिलीसेकंड्स, और Q2 में क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो व्हेन इट गेन्स CPU क्यू सिलेक्ट करने के लिए भी राउंड रॉबिन आप लगवा सकते हो अगर आपको आपका वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में ऐसा है। देखो यहां पर जो था, जैसे यहां पर था, आपको बताया गया था कि यहां पर भी क्या है कि 20% वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को देगा टाइम शेयरिंग और 80% फोरग्राउंड प्रोसेसेस को देगा। तो यहां पर भी जो नॉर्मल आपका क्यू वाला था उसमें भी आप राउंड रॉबिन लगता था आपका विद इन क्यूज, वो अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो यहाँ भी पॉसिबल है, क्लियर। तो वो तो जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा आपको करना होगा, लेकिन यहाँ पर अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया जो आपके पास ये करंट स्लाइड है। व्हेन इट गेन्स सीपीयू जॉब रिसीव्स 8 मिलीसेकंड, जब भी पहले उसको प्रोसेसर मिलेगा तो 8 मिलीसेकंड उसने हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू में होगा जो कि Q0 होगी। जब उसका एग्जीक्यूशन टाइम 8 सेकेंड्स पूरा हो जाएगा तब क्या होगा, एक जॉब डिमोट कर दी जाएगी, मतलब एक क्यू डिमोट हो जाएगा, तब वो लेसर प्रायोरिटी क्यू में चला जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट 16 मिली सेकेंड्स उसने एक लेसर क्यू में बिताने हैं, उसके बाद उससे लेसर क्यू जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा वो वैसे बिताएगा, ठीक है। तो अब जो हमने एग्जाम्पल ली थी इसमें, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो P1 में क्या है 25, अब अगर आप देखो व्हेन इट गेन्स CPU जॉब रिसीव्स 8 मिलीसेकंड्स, तो फर्स्ट 8 मिलीसेकंड्स ये यहां पर Q0 में बिताएगा, तो रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा 25 माइनस 8 दैट इज 17। अब जो 17 का रिमेनिंग 16 टाइम वो कहां पर बिताएगा Q1 में, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1, जो रिमेनिंग होगा वो कहां पे बिताएगा Q2 में, क्लियर। अब ऐसी P2 प्रोसेस है उसको कितना बर्स टाइम चाहिए 20, तो फर्स्ट 8 मिली सेकेंड जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो कहां कौन सी क्यू में बिताएगा Q0 में, तो रिमेनिंग कितना रह गया 12, तो नेक्स्ट 12 वो Q1 में बिताएगा क्योंकि मैक्सिमम 16 टाइम यूनिट्स ये बिता सकता है और इसको तो और 12 भी चाहिए, तो ये Q0 और Q1 में जाएगा। P3 प्रोसेस इसको कितना बर्स्ट टाइम चाहिए 7, तो ये तो पूरे का पूरा टाइम अपना इस क्यू में ही बिता सकता है, दैट इज Q0। तो टाइम के हिसाब से अगर एक 8 से टाइम ज्यादा है तो वो Q1 में शिफ्ट हो जाएगा और Q1 से ज्यादा है तो वो Q2 में। इसमें और पिछले वाले क्यूइंग मॉडल में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपकी
एक क्यू से दूसरे क्यू में सेम प्रोसेस जा सकता है, जबकि सिंपल जो मल्टी लेवल क्यू मॉडल शेड्यूलिंग मॉडल है उसमें नहीं जा सकता। क्लियर? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट हो? एनी डाउट्स? देखो ये या इस पे कोई न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, अगर न्यूमेरिकल आ भी गया तो आपको ये पूरा पता है ना कि लेट अस सपोज मैं इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल दे दूं कि आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल है, यही इस पे आपके पास न्यूमेरिकल है और आपके पास ऐसा मॉडल है कोई, हाँ जी, इसके लिए आप गैंट चार्ट बनाओ। कैसे बनाओगे? अगर मान लो अभी इन्होंने पूछ लिया न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, तो अगर इसके लिए आपको गैंट चार्ट बनाने के लिए आ जाए तो कैसे करोगे? यूनिप्रोसेसर सिस्टम है, रेडी क्यूज आपकी डिफरेंट है, लेकिन इसके हिसाब से मतलब डिफरेंट आपकी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के हिसाब से आपने इसको अरेन्ज करना है। तो इसका अगर आप देखोगे तो 0 से 8 तक जो यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, 0 से 8 तक आपका P1 चलेगा, देन P1 विल मूव टू दिस क्यूब और तब तक P2 आ चुका होगा, ठीक है? तो P2 का कितना है, 8 से 16 तक P2 चलेगा, देन P2 यहां पर आ चुका होगा, क्लियर? देन 60, क्योंकि अब हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सा है, क्यू तो ये है, तो नेक्स्ट P3 चलेगी, वो 16 से 23 तक चलना है उसने। अब उसके बाद इस क्यू की बारी आ गई, इस क्यू में पहले कौन सा आया था, P1, तो 23 से 39 तक P1 चलेगा, ठीक है? अब 39 से 48 तक, क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम तो 9 यूनिट्स ही रह गया था ना, तो 48 तक ये चलेगा। अब इसका 17 माइनस 16 दोबारा रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 1, 48 से 49 तक P1, तो ये इसका गैंट चार्ट हो गया। तो इस हिसाब से तो आप अरेंज कर ही सकते हो ना। एनी डाउट? देखो दोबारा सुनो कैसे किया ये। सबसे पहले अराइवल टाइम 0 पे P1 आया, जिसका बर्स्ट टाइम 25 था। आते सारी वो जैसा यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन इट गेन्स सीपीयू जॉब रिसीव्स 8 मिलीसेकंड्स, तो 8 मिलीसेकंड्स के लिए ये P1 चला। उसके बाद P1 कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली क्यू में जो कि लेसर प्रायोरिटी पे है इससे, तो फिर 8 से 16 तक P2 चलेगा, 16 से 23 तक, आफ्टर 16 ये P2 भी यहां नीचे वाली क्यू में आ जाएगा, तो हाईएस्ट क्यू में कौन सा रह गया, P3, 16 से 23 तक P3 चलेगा, क्लियर? देन इस क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया था, P1, तो 23 से 39 तक राउंड रॉबिन इसका एल्गोरिदम है, तो P1 चलेगा, 39 से 48 तक P2, क्योंकि इसका रिमेनिंग ही 9 रह गया था, तो आफ्टर स्पेंडिंग 16 टाइम यूनिट्स P1 इस क्यू से मूव होके नीचे वाली क्यू में आ जाएगा, जिसमें अगेन P1 चला, क्लियर? तो इस तरह से, अगर वैसे तो न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, अगर आ भी जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यू सिलेक्ट करने के लिए अगर उन्होंने एल्गोरिदम नहीं बोला तो आपको आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर उन्होंने एल्गोरिदम बोला था कि पहले
हर प्रोसेस P1 की ऊपर वाली क्यू सिलेक्ट करेगा, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, क्लियर? कोई भी एल्गोरिदम वो बोल सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से क्यू सिलेक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं, क्लियर? सो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो है, देखो ये दोनों भी और नेक्स्ट वाला भी है, उसको है मल्टी प्रोसेसर क्यू शेड्यूलिंग। यहां पर हमने यूनि प्रोसेसर क्यू शेड्यूलिंग की है, तो ये इसके ऊपर नेक्स्ट वाले के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? सीपीयू शेड्यूलिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर अवेलेबल है। अब इसमें क्या है, देखो एक तो होमोजीनियस प्रोसेसर है कि विद इन अ मल्टी प्रोसेसर ही आपका एक ही उसमें होना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे जब आपकी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आई थी। दोबारा सुनो, अब एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या है कि एक, देखो आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं या मल्टीपल कोर्स हैं, तो एक प्रोसेसर को आपने सिलेक्ट कर लिया कि जिसने आगे हर प्रोसेसर को काम डिवाइड करना है, ठीक है? तो उसके पास ही सारी अथॉरिटी होगी कि वो मास्टर की तरह हो गया, जो बाकी प्रोसेसर्स हैं वो स्लेव की तरह काम करेंगे। तो इस तरह की मल्टी प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सेकेंड टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें हर प्रोसेसर को के पास अपनी सेल्फ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, उसने अपने हिसाब से उसको करना है, इसको किसी और दूसरे प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्ट नहीं करना, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की सुनेगा। तो इस तरह का मल्टी प्रोसेसिंग को बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि आजकल ज्यादा कॉमन है, ठीक है? तो जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, कर देता हूं इसको रिपीट। देखो अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं तो क्या होगा, आपके पास एक सीपीयू मान लो ये वाला मास्टर सीपीयू है, CPU 1, ये इन सबको कंट्रोल कर रहा है कि इनके ऊपर कौन से प्रोसेसेस CPU 2 को देने हैं, कौन से प्रोसेसेस CPU 3 को देने हैं, कौन से प्रोसेसेस CPU 4 को देने हैं, इसने कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लेना है, इसके पास कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देना है, ये वाला मास्टर सीपीयू कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह की मल्टी प्रोसेसिंग को क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा कि सभी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग इक्वल प्रोसेसेस दे रहा है, तो वहां पे कोई भी मास्टर सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं, ये सारा काम आपका कौन करके दे रहा है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, के सारा ट्रैफिक कौन डिवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर सभी प्रोसेसर्स का रोल एक जैसा हो गया सिमेट्रिक में, तभी इसका नाम क्या है, सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या है, एक मास्टर सीपीयू होगा, वो आगे इंस्ट्रक्ट करेगा दूसरे सीपीयू को, तो उस तरह की प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक, ठीक है? तो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रोसेसर एफिनिटी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब प्रोसेसर एफिनिटी का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस हमेशा एक ही प्रोसेसर पर वो एग्जीक्यूट होना चाहेगा, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूं कि प्रोसेसर अफिनिटी क्या है।
ठीक है, इसकी लोकल कैशे होगी, इसकी भी लोकल कैशे होगी, ठीक है। अब आपका मान लो पी वन प्रोसेस है, उसमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, पी वन प्रोसेस है उसमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब जब भी पी वन पहले किस प्रोसेस पे था, सीपीयू वन पे, अब जैसी वो इस पे एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू वन पे, तो क्या होगा कि इसकी लोकल कैशे में कुछ वेरिएबल्स या कुछ यहाँ पे रजिस्टर्स होंगे या कुछ वेरिएबल्स में ये वैल्यूज लोड कर दी जाएंगी कि मान लो ये ए वन वेरिएबल की वैल्यू है, ये ए टू की है, तो ये ए वन ए टू की वैल्यूज यहां पर पड़ी हैं। अब मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पी वन प्रोसेस को एक स्टेप के बाद सीपीयू वन की बजाय सीपीयू टू एलोकेट कर देता है, तो अब क्या होगा, ये जो ए वन ए टू की सारी वैल्यूज हैं वो हमें दोबारा से इसकी लोकल कैशे या लोकल रजिस्टर्स में लोड करनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो पहले से पड़ा था वो प्रोसेस P1, अगर P1 को ही दे देता वो दोबारा से कंट्रोल, तो यहां पर तो उसकी वैल्यूज पड़ी थी, मान लो A3 की वैल्यूज अब यहां पे 12 पहले से स्टोर्ड थी, जो 3 into 4 आया, ठीक है। और यहां पर आपको अगर एकदम से अब ये CPU 2 को ये प्रोसेस दे दिया, तो अब क्या होगा, यहां पर उसको दोबारा से लोकल कैशे में हमें उसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, तो जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसमें हमारी टाइम वेस्टेज होगी, ठीक है। अभी भी मान लो कईयों को समझ में नहीं आया कि ये चीज क्या है, मान लो अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया कि ये है क्या, तो हम यहां पे आओ, यहां पे देखो डायग्राम है आपके पास, तो इस डायग्राम में क्या है कि जो तो उसकी लोकल कैशे में है वो क्या है, फास्टर एक्सेस। क्यों फास्टर एक्सेस है, क्योंकि बार बार उसको वो वाला प्रोसेस इसी प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन एकदम से ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले प्रोसेसर के पास कोई दूसरे प्रोसेस भेज देता है, और जो वो गिवन प्रोसेस था वो दूसरे सीपीयू के पास भेज दिया, तो क्या होगा, इसके पास जो भी उसकी एक्सेस होगी इसकी मेमोरी की, वो क्या होगी, स्लोअर होगी, क्योंकि दूसरा प्रोसेसर अब इसकी लोकल मेमोरी को एक्सेस कर रहा है बजाय की अपनी उसको, तो इसलिए हर प्रोसेस की एक प्रोसेसर एफिनिटी होती है कि वो जो जिस प्रोसेसर पे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था वो उसी पे एग्जीक्यूट होना चाहेगा। प्रोसेसर एफिनिटी क्लियर है कि क्या है कॉन्सेप्ट, अभी मैंने हार्ड और सॉफ्ट एफिनिटी के बारे में नहीं बताया, सिर्फ प्रोसेसर एफिनिटी के बारे में बताया है कि अपनी मेमोरी से प्रोसेसर को लोकल कैशे से उसी प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन फास्टर होती है, और बजाय के दूसरी कोर की लोकल मेमोरी या दूसरे प्रोसेसर की लोकल मेमोरी से एग्जीक्यूशन एज कंपैरिजन स्लोअर होगी। तो अगर वो प्रोसेसर स्विच कर देता है दूसरे प्रोसेस के पास, तो उसको टाइम कंजम्पशन उसकी ज्यादा होगी मेमोरी एक्सेस के लिए, तो दिस इज नोन एज प्रोसेसर अफिनिटी। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो, अगर इसमें डाउट है तो पूछो, वरना फिर हार्ड अफिनिटी और सॉफ्ट अफिनिटी के बारे में मैं बताऊं। प्रोसेसर अफिनिटी क्या है कि जिस प्रोसेसर के पास प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसी के पास रहना चाहेगा। यस, ये होगा तो ऑलवेज अनफेवरेबल, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कॉस्ट होगी, लेकिन ये पॉसिबल है कि सिंगल प्रोसेसर के बजाय वो अब भी काफी फास्ट हो, तभी ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो रहा है उसी के पास रहने देते हैं, क्योंकि इसकी स्विचिंग की ऑलवेज कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी ही होगी। क्लियर?
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास क्लॉक स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं है ना। मान लो आपका एक प्रोसेसर है जो वो एक स्पेसिफिक प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी मेमोरी में वो पहले से ही उसका जो रिलेटेड डेटा होगा वो तकरीबन पड़े होने के चांसेस हैं। तो अगर वो दूसरे प्रोसेसर के पास गया तो उसकी लोकल मेमोरी में हमें दोबारा से लोड करना पड़ेगा, तो उसमें क्लॉक स्पीड का ज्यादा इशू नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यूनि प्रोसेसर के मामले से मल्टी प्रोसेसर की हमेशा तकरीबन स्पीड ज्यादा हो, क्लियर। और ये भी बड़ा कम पॉसिबल है कि आपके पास दो प्रोसेसर हैं उनमें क्लॉक स्पीड का ही इतना बड़ा डिफरेंस हो जाए एक ही सिस्टम में अगर लगे हुए हैं, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए वो भी फेवरेबल नहीं रहे, क्लियर। कंपैटिबल भी होने चाहिए ना दोनों प्रोसेसर आपस में। सो नेक्स्ट इज सॉफ्ट अफिनिटी। अब ये सॉफ्ट अफिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो प्रोसेसर अफिनिटी को मेंटेन करे, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होगा। अगर वो प्रोसेसर अफिनिटी मेंटेन नहीं कर सकता तो वो प्रोसेस को दूसरे प्रोसेसर पर भेज सकता है। तो इस तरह की अफिनिटी किस तरह की होगी? सॉफ्ट, के कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। अगर उसको लगता है कि दूसरे प्रोसेसर के पास भेजने के अलावा और कोई हल नहीं है तो वो उसको भेजना ही पड़ेगा। तो इस तरह की अफिनिटी को क्या कहते हैं? सॉफ्ट अफिनिटी। हार्ड अफिनिटी क्या है? के ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही एक प्रोसेस के लिए सेट ऑफ प्रोसेसर्स मेंशन कर देगा। मान लो P1 प्रोसेस के लिए उसने पहले से CPU 1, 2 एंड 3 सिलेक्ट कर दिए। अब अगर इन तीनों में से कोई भी प्रोसेसर उसको नहीं मिलता तो वो उतनी देर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह की अफिनिटी को क्या बोलेंगे? हार्ड अफिनिटी। सॉफ्ट अफिनिटी में क्या था? वो कोशिश करेगा कि इन तीनों में से ही हो, अगर लेकिन नहीं पॉसिबल हो रहा तो उसको वो किसी दूसरे सीपीयू को भी दे सकता है। तो ये दोनों अफिनिटीज में डिफरेंस है, ठीक है। देखो, इस तरह के आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि दूसरी मेमोरी को, अगर दूसरे प्रोसेसर की लोकल मेमोरी को ये एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस क्या होगी? हमेशा स्लोअर एक्सेस। तो ये याद रखना, कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ NUMA तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। तो अगेन ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब लोड बैलेंसिंग क्या है? तो आपको लोड बैलेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना पड़ता है, सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा कि लोड बैलेंसिंग करनी है। मान लो स्टार्टिंग में इसके पास 5 प्रोसेसेस थे, इसके पास 5 प्रोसेसेस थे, क्लियर। अब क्या है इसमें कि इसने तो फर्स्ट 5 मिलीसेकंड्स में पूरे कर लिए, लेकिन फर्स्ट 5 मिलीसेकंड्स के बाद इसका अभी तक कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो क्या होगा? यहां पर 0 प्रोसेस रन कर रहा होगा आफ्टर 5 मिलीसेकंड्स, और यहां पे 5 प्रोसेसेस, जो कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ठीक था। तो अब ये क्या करेगा? अलग अलग टेक्निक्स हैं आपके पास, पुश माइग्रेशन एंड पुल माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन में तो ये चेक करेगा कि कुछ टाइम बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि इस प्रोसेस के प्रोसेसर के ऊपर अभी ओवरलोडिंग हो रही है, तो ये यहां से प्रोसेस, मान लो 2 प्रोसेस उठाए और इसने CPU 1 को दे दिए, तो इस तरह की माइग्रेशन को क्या बोलेंगे? पुश माइग्रेशन। है तो पुल माइग्रेशन भी वही, लेकिन उसमें क्या है कि जो आइडल प्रोसेसर्स होगा वो पहले चेक करेगा कि
मतलब जिनके पास प्रोसेसर्स नहीं है, अगर वो प्रोसेसर आइडल हो गया तो वो मैसेज भेजेगा दूसरे सीपीयू के पास कि उसको प्रोसेसर्स प्रोसेसेस अभी आप और असाइन कर सकते हो। तो देन यहां से प्रोसेसेस पुल किए जाएंगे और यहां पर इसको असाइन कर दिए जाएंगे। मतलब चाहे पुश माइग्रेशन है चाहे पुल माइग्रेशन है, आपने करना क्या है, लोड बैलेंसिंग कर रहे हो कि जो बिजी सीपीयू है या ओवरलोडेड सीपीयू है वहां से या तो आप प्रोसेसेस आइडल प्रोसेसर के पास पुश कर रहे हो या आइडल प्रोसेसर्स सिग्नल देंगे ओवरलोडेड प्रोसेसर्स को कि आप कुछ प्रोसेसेस अपने पुल करके उसको असाइन कर। तो दोनों एक ही बात है, पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन, बेसिकली दोनों लोड बैलेंसिंग के काम आ रहे हैं। हाँ जी, इन दोनों टर्म्स में किसी को कोई डिफिकल्टी हो? एसएमपी फुल फॉर्म, हाँ जी ये तो पता होनी चाहिए, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, एसएमपी फुल फॉर्म सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि एसिमेट्रिक में ये काम कौन करेगा लोड बैलेंसिंग का, मास्टर सीपीयू, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ेगा सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में, तो वो वही इसमें बताया गया है। क्लियर? तो जैसे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं आजकल, आप सभी को मालूम है कि मल्टी कोर सिस्टम्स आपके आ रहे हैं, तो वो मल्टी कोर सिस्टम्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। ये क्या है, लेसर पावर है और फास्टर है, और इसका बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक ही चिप पे ये मल्टीपल कोर्स आपकी अवेलेबल होती हैं और आप टास्क अपने मल्टी प्रोसेसिंग वाले परफॉर्म कर सकते हो। अब एक प्रॉब्लम आती है, ये देखो ये डायग्राम का मतलब क्या है, पहली बात है कि अभी हमने थ्रेड नहीं किया तो शायद इस डायग्राम को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे जो सी है वो स्टैंड करता है कंप्यूट साइकिल के लिए। अब मान लो आपके पास यहां पर कोर वन है, यहां पे कोर टू है। अब कोर वन ऑब्वियस बात है सीपीयू की कोर वन है, तो यहां पे सी स्टैंड्स फॉर कोई ना कोई कंप्यूटेशन हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई कंप्यूटेशन हो रही है। लेकिन फिर उसको मेमोरी से रीड करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, उस टाइम लगने को इसने मेमोरी स्टॉल के नाम से बोला है। यहां पर इस डायग्राम में देखोगे तो ये M क्या है, ये M है मेमोरी स्टॉल का। तो कभी कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल। तो जो भी M है, M से क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्टेज हो रही है, क्योंकि ये तो मेमोरी एक्सेस करने के लिए जितना टाइम लगा उतनी देर उसको स्टॉल करना पड़ा सीपीयू को। तो इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, इसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि बजाय के आपके एक कोर के पास एक ही थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन हो, उसके पास मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए गए। तो जब ये एक थ्रेड का कंप्यूटेशन का टाइम है तो दूसरे का मेमोरी का हो, स्टॉल का हो, एक का कंप्यूटेशन का टाइम है फिर दूसरे का मेमोरी का हो, तो इससे क्या होगा, ये जो आपकी कोर होगी ये कभी भी वेट नहीं करेगी या मेमोरी स्टॉल के लिए वेट नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज होगी। क्लियर है ये? हाँ जी, एनी डाउट्स? देखो यहां पर क्या है कि आपके पास मान लो हार्डवेयर थ्रेड एक ही है, उस कोर का, कोर वन का हार्डवेयर थ्रेड एक ही है, तो कुछ टाइम आपके पास कंप्यूटेशन में लगा, फिर आपने उसकी मेमोरी स्टॉल के लिए लगा। मेमोरी स्टॉल मींस स्टॉल क्या हो गया, रुका हुआ, मतलब अभी मेमोरी एक्सेस कर रहा है वो उसने अभी कुछ रीड करना है मेमोरी से, तो उसके लिए उतनी देर वो कंप्यूटेशन नहीं कर रहा, फिर कंप्यूटेशन किया, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन किया, फिर मेमोरी स्टॉल।
तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि अब बजाय कि आपका एक थ्रेड हो, आपके मल्टीपल थ्रेड्स पॉसिबल हैं। अब ये कईयों को अभी ये समझ में नहीं होगा कि व्हाट आर थ्रेड्स। थ्रेड्स आपके क्यों मोर देन वन हो सकते हैं। थ्रेड हेयर रेफर्स टू, देखो मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। अब यहां पर थ्रेड का मतलब क्या है, आपके पास एक सीपीयू की मान लो दो कोर्स हैं, कोर वन कोर टू। अब कोर वन में उसने ये बता दिया, अपना साइकिल बता दिया कि पहले सी है, फिर एम है, फिर सी है, फिर एम है। अब हम कह रहे हैं कि इस पे एग्जीक्यूशन के बजाय कि एक कोर पे एक ही थ्रेड की एग्जीक्यूशन हो, अब यहां पे थ्रेड की एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे जब थ्रेड्स करेंगे। यहां पर अब बजाय कि एक ही थ्रेड की एग्जीक्यूशन हो, आपके मल्टीपल थ्रेड्स पॉसिबल हैं एग्जीक्यूशन के लिए एक कोर पे। तो जब ये आपका चल रहा है तो दूसरा आपका ये हो सकता है। तो जब यहां पर कंप्यूटेशन, जब यहां पे मेमोरी स्टॉल है तब यहां पे कंप्यूटेशन है, जब यहां पे मेमोरी स्टॉल है तब यहां पे कंप्यूटेशन। तो कभी भी कोर आपकी फ्री नहीं रहेगी, वो हमेशा एग्जीक्यूशन करती जाएगी। तो दैट मींस कि आपकी कोर हमेशा वर्किंग में है। अब बात आई है कि थ्रेड की, कि थ्रेड्स मल्टी थ्रेड का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि आपका ब्राउजर है, वहां पर इमेजेस भी होती हैं, ठीक है, आपके पास आइकन्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, कई बार वीडियो भी प्ले कर रही है। तो ये एक ही है, तो प्रोसेस एक ही था आपका ब्राउजर, उसके मल्टीपल थ्रेड्स हैं। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये मल्टीपल थ्रेड्स ही क्यों, ये मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही, ये मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेसेस क्या होते हैं, हैवी, और थ्रेड्स क्या होते हैं, लाइट। ये हैवी और लाइट का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब हम थ्रेड्स वाला चैप्टर करेंगे। लेकिन इसमें इस डायग्राम के लिए अभी आप ये समझो कि आपके पास उस कोर के ऊपर मल्टीपल थ्रेड्स, एक से ज्यादा थ्रेड्स चल सकते हैं। अगर थर्ड थ्रेड हुआ तो पैरेलली एग्जीक्यूशन के लिए आपकी तीसरी थ्रेड होगी। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना क्या है, देखो इनका क्वेश्चन क्या था कि अगर थर्ड थ्रेड हुआ तब कैसे चलेगा पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड। बिल्कुल सही, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड यूज होगा आपका। तो यहां पैरेलल एग्जीक्यूशन ही एक तरीके से हम अचीव कर रहे हैं थ्रेड्स के साथ, लेकिन यहां पर तो एक कोर के, हमारे पास एक कोर में मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो यहां पर तो बेसिकली जब एक थ्रेड की आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है एक कोर पे, तो दूसरा में भी वेट कर रहा है। अगर तीन थ्रेड्स होंगे तो क्या होगा, एट ए टाइम तो एक ही चलेगा थ्रेड उस कोर पे, लेकिन बाकी दो थ्रेड्स तब वेट करेंगे। तो वो आपकी हार्डवेयर की यूटिलिटी के ऊपर आएगा अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। यस, वो कम हो जाएगा कंप्यूट साइकिल पर थ्रेड। हाँ, वो कम हो सकता है अगर आपका प्रोग्राम ऐसा है। देखो आपकी प्रोग्रामिंग पे भी डिपेंड करेगा। देखो यहां पर बात की जा रही है एक ही कोर की, सिंगल कोर की, तो जो थर्ड थ्रेड है उसकी ज्यादा यूजेज नहीं। मान लो आपके पास जैसे ऑक्टा कोर है, आठ कोर्स हैं उसकी, तो अगर आपने पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है तो वहां पर जो थ्रेड है वो प्रोग्राम की थ्रेड की बात की जा रही है। यहां पर जो थ्रेड है ये क्या है, हार्डवेयर थ्रेड्स, जो आपकी कोर के थ्रेड है, ताकि आपकी कोर की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्लियर?
तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में करेंगे थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बुक से टिक करके भी ये बता दूंगा कि कौन कौन से आपके टॉपिक आपने बुक के हिसाब से पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को करते हैं ओवर।